लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है। बाला साहेब ठाकरे के हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी लेजिटिमेसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है। आपने सुना देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र में हुआ विधानसभा चुनाव महायुति के लिए आशीर्वाद बन गया। प्रचंड बहुमत के साथ एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने महाराष्ट्र में अपने पैर जमा लिए हैं। महायुति के सामने महाविकास अघाड़ी पूरी तरह पस्त हो गई। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के नेतृत्व वाला एमवीए 50 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। अब जब चुनावी नतीजे साफ हो गए हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। चलिए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक। सीएम पद की लिस्ट में सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस का नाम ही आगे चल रहा है। इसका कारण क्या है ये भी आपको बता देते हैं। एकनाथ शिंदे भी आसानी से मानने को तैयार नहीं है। शिंदे ने एक बयान देकर पेच और फंसा दिया है। महाराष्ट्र में सीएम के सवाल पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिसकी ज्यादा सीट होगी उसका सीएम बनेगा, ऐसा तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि महायुति के तीनों घटक दल के नेता बैठकर इस पर फैसला करेंगे, चर्चा करेंगे। देवेंद्र फडणवीस भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि मिल बैठकर सीएम पद पर फैसला होगा। सुनिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों का इस पर क्या कहना है। ऐसा मैंने कहा नहीं, मैं इसके मैं कह रहा हूँ, मैं आपको क्या लगता है कि अभी यहाँ पर पूरे आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे, वरिष्ठों से चर्चा हो, उसके बाद जो भी होगा समन्वय से हो। आप घुमा के कितना भी पूछोगे तो भी मैं मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ, मैं कोई पहली बार बैटिंग करने आया नहीं हूँ। इसलिए तीनों पार्टी के नेता मिलकर तय करेंगे और जिसको वो मुख्यमंत्री बनाएंगे उसको हम वर्षा में बिठाएंगे। अब आपको बता देते हैं कि सिर्फ देवेंद्र फडणवीस का नाम ही सबसे आगे क्यों चल रहा है, इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे जाना माना चेहरा है। वे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पिछली महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने महाराष्ट्र में मजबूत पकड़ बनाई है। उनका पिछला कार्यकाल बताता है कि वे निर्णय लेने में सबसे आगे और सबसे तेज हैं। पार्टी को आगे रखने वाले और विकास को प्राथमिकता देने वाले नेता हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के किसानों के लिए कर्ज माफी योजना हो या मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट की गति, फडणवीस का नाम हर जगह सबसे आगे रहा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इतना देवेंद्र फडणवीस को लेकर माहौल क्यों बना हुआ है, ये भी एक सवाल है। चुनाव से पहले और रिजल्ट के बाद दोनों स्थिति में जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये साफ है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के लिए मजबूत दावेदार हैं। महायुति को 220 प्लस सीटें मिली हैं, अकेली बीजेपी ने 125 से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की इस बार सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, मगर सवाल ये है कि क्या एकनाथ शिंदे आसानी से मान जाएंगे। इसके जवाब से पहले ये जानना जरूरी है कि भाजपा में फडणवीस के लिए सीएम पद की मांग जोर पकड़ने लगी है। खुद आरएसएस भी चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बन जाएं। साथ ही अमित शाह ने भी बीते दिनों चुनावी सभा में अपने बयान के जरिए इसका इशारा किया था। वहीं उनकी मां के कुछ अलग ही जवाब हैं। इन सभी सवालों के बाद अगर हम ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस हो सकता है आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री का पद संभाल लेंगे, लेकिन उनकी मां के कहीं और ही इशारे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे वो आपको बता देते हैं। देवेंद्र फडणवीस की मां ने कहा है कि देवेंद्र दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस की मां ने कहा उनके बेटे ने चुनाव के लिए 25 घंटे मेहनत की है, लगातार दिन रात मेहनत की है। उन्हें अपने खाने पीने और दिनचर्या की भी परवाह नहीं थी जब वे अपना काम संभाल रहे थे। देवेंद्र मुंबई में ही रहना चाहते हैं और दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं। अब अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा प्रोजेक्ट करती है तो एकनाथ शिंदे का नाराज होना लाजमी होगा। ऐसे में ये साफ नजर आता है कि सवाल बड़ा है कि क्या महायुति देवेंद्र फडणवीस को आगे करती है या एकनाथ शिंदे को। बाकी राज्य से जुड़ी हुई और नेशनल से जुड़ी हुई सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।